नमस्कार दोस्तों, मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर लोग क्यों बादाम को रात भर पानी में भिगोने के बाद ही खाते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मीडिया अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दरअसल बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व मौजूद होता है, जो कि इन पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक लेता है। यानी बादाम के साथ ये पोषक तत्व आपके शरीर में जाते तो हैं, लेकिन इसके छिलके की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप बादाम को पानी में भिगोते हैं तो ये छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोषक तत्वों को रिहा करने की अनुमति देता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कच्चे बादाम की जगह आप भीगे हुए बादाम खाएं। तो आइए जानते हैं, आप भीगे बादाम खाने से क्या क्या शारीरिक लाभ होते हैं। अगर आप वजन घटा रहे हैं तो इसमें भीगे बादाम आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। दरअसल इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आपकी भूख कम कर देते हैं। भीगा हुआ बादाम एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या है तो आप भीगे हुए बादाम खाना शुरू कर दें, यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है। अगर आप भीगे हुए बादाम खाते हैं तो आपके पेट के लिए प्रोटीन हजम करना आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल स्वस्थ रहे और रोज़ थोड़े से भीगे बादाम खाने की आदत डाल लीजिए। बादाम अपने एंटीऑक्सीडेंट के गुणों के कारण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण रोकता है, इससे दिल और उसका सिस्टम हेल्दी बना रहता है। बादाम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए अच्छे होते हैं। बादाम का सेवन करने से ब्लड में अल्फा टोकोफेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो किसी के भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको भीगे हुए बादाम जरूर खाने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आर्टरीज यानी धमनियों में रुकावट पैदा होगी। जब आपकी धमनियां सही से काम नहीं कर पाएंगी तो आपके लिए कई समस्याएँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप भीगे हुए बादाम रोज़ खाएंगे तो आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा और आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि लोग भीगे हुए बादाम क्यों खाते हैं और इसके खाने के फ़ायदों के बारे में भी जाना। तो आगे से आप जब भी बादाम खाएं तो रात को भिगोकर इसका छिलका उतारने के बाद ही सुबह खाएं और स्वस्थ रहें दोस्तों, और उसके फ़ायदे लें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।